सत श्री अकाल जी, माजा क्रिएशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मेरी कलेक्शन रहेगी वो मिक्स कलेक्शन होगी, जिसमें कॉटन और मसलिन के बहुत ही प्यारे प्यारे से आर्टिकल्स रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल रहेगा इसमें आ जाएगा शिफोन का दुपट्टा, प्रिंटेड शिफोन का दुपट्टा रहेगा। कुछ इस तरह से इसकी लुक रहने वाली है दुपट्टे की। इसमें आ जाएगा बीच में जो कलर रहेगा वो कैरेट कलर के साथ होगा, और जो इसके बॉर्डर्स हैं वो क्रीमी कलर के साथ रहेंगे। फुल लेंथ और विड्थ के साथ ये दुपट्टा रहेगा शिफोन का। बहुत ही लाइट वेट और कंफर्टेबल फैब्रिक रहेगा दुपट्टे का। और ये जो आर्टिकल है ये आ जाएगा 100% कॉटन फैब्रिक रहेगा, जो कि कराची कॉटन बेस रहेगा इसका। इसका जो बॉटम रहेगा ये इसका बॉटम आ जाएगा प्लेन 2.5 मीटर लेंथ के साथ। ये इसका शर्ट रहेगा, शर्ट पर ये आरी वर्क रहेगा, थ्रेड का काम रहेगा, ये आरी का सॉफ्ट मटेरियल का थ्रेड रहेगा इसका। और जो नीचे घेरा है उसके ऊपर आपको एडजस्टेबल लेसिंग मिलेगी आरी वर्क के साथ। कुछ इस तरह से इसकी लुक रहेगी इस आर्टिकल की। ये इसका बैक साइड रहेगा, ये सेल्फ प्रिंटिंग के साथ रहेगा, जिसके ऊपर आपको आरी वर्क मिलेगा। साथ में दिया गया है कंट्रास्ट में दुपट्टा, जो कि कैरेट और कैरेट पीची सा कलर नहीं, पिंक सा कलर है ये। ये इसकी लुक रहेगी, रेंज रहेगी 2000। इसमें मेरे पास काफ़ी सारे कलर शेड्स अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट जो कलर आ जाएगा इसके साथ रहेगा ग्रीन कलर का दुपट्टा, मिंट ग्रीन कलर के साथ इसका दुपट्टा आ जाएगा। ये इसकी रहेगी प्रिंटिंग, साथ में थोड़े थोड़े डॉट्स रहेंगे। फुल लेंथ और विड्थ के साथ दुपट्टा रहेगा, शिफोन का दुपट्टा आ जाएगा, कराची कॉटन बेस रहेगा, बॉटम सभी का प्लेन आ जाएगा, और नेकलाइन पर वैसे ही एम्ब्रॉयडरी रहेगी। साथ में ये आ जाएगा दुपट्टा। ये इसकी लुक रहेगी 2000 की रेंज में। नेक्स्ट ये भी कलर बहुत ही प्यारा है, पेस्टल कलर शेड के साथ रहेगा। नेकलाइन पर आरी वर्क, बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको वर्क मिलेगा, और जो फैब्रिक है, जो थ्रेड के वर्क है इसके ऊपर, वो भी बिल्कुल सोबर से है, एलिगेंट से है, और साथ में कंफर्टेबल है, चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसका भी जो बॉटम रहेगा प्लेन आ जाएगा। कलर ये जो आर्टिकल्स हैं ना, इनके सभी के सभी कलर्स बहुत प्यारे हैं, कोई भी इनमें से कलर मिस करने वाला नहीं है। और सेकेंडली ये विदाउट लाइनिंग स्टिच हो सकते हैं आर्टिकल्स। ये आ जाएगा दुपट्टा, दुपट्टों के साथ इनकी और भी ग्रेस आएगी, और जैसे कि आप इनको नायरा कट के साथ स्टिच करवाते हो, अमेजिंग लुक आएगी इन आर्टिकल्स की। नेक्स्ट आ जाएगा पीच कलर के साथ, ये सभी इंग्लिश शेड्स हैं, बॉटम सभी का प्लेन रहेगा 2.5 मीटर लेंथ में ही। ये इसकी लुक, जो नीचे घेरे पर आपको लेसिंग मिल रही है एडजस्टेबल है, क्योंकि अगर नेकलाइन पर वर्क होगा और नीचे घेरे पर होगा तो फिर लेंथ में इश्यू रहती है, तो इसलिए एडजस्टेबल दी गई है लेसिंग, ताकि आपको लेंथ की कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ में कंट्रास्ट में दिया गया है दुपट्टा, जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी फील देने वाले हैं, बहुत ही प्यारी लुक के साथ 2000 की रेंज में। रेंज वाइज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा लाइट सा येलो शेड है ये, वर्क मोस्टली सभी पर सिमिलर रहेगा, फैब्रिक सभी का सेम रहेगा कराची कॉटन के साथ, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल रहेगा, बॉटम सभी का प्लेन रहने वाला है, सेल्फ प्रिंट रहेगा साथ में, और आरी वर्क रहेगा क्रीमी शेड में, थ्रेड का आरी वर्क रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना कॉटन में अगर हम सिल्क थ्रेड यूज़ करते हैं तो वो इतनी ग्रेस नहीं देता, तो इसलिए इसमें कॉटन थ्रेड यूज़ किया गया है। साथ में इसके साथ जो कंट्रास्ट है वो ग्रे कलर का रहेगा,
सिंपल सोबर लुक के साथ 2000 की रेंज में। ये आर्टिकल्स हैं जो एवरग्रीन से रहेंगे, जैसे मर्जी आप इनको कैरी कीजिए। और ये ड्राई क्लीन वाला प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको इजी वॉश कर सकते हो। रफ एंड टफ फैब्रिक्स रहेंगे। ये भी ग्रे शेड रहेगा, इंग्लिश ग्रे शेड, जिसमें कि ब्लू का टच रहता है। साथ में इसमें जो कंट्रास्ट है दुपट्टे का, वो पीची कलर के साथ रहेगा। ये इसका रहेगा दुपट्टा, और जो दुपट्टे हैं वो बॉर्डर से फिनिश्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। ये इसकी लुक है 2000 की रेंज में। बहुत बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक्स हैं ये। वैसे भी समर्स ज़्यादा रहती है, विंटर्स कम रहते हैं, तो कॉटन तो ऑलवेज चलती ही चलती है। नेक्स्ट आ जाएगा मिंट कलर के साथ, सॉरी मिंट नहीं, ये ड्राई मेहंदी कलर है, ड्राई मेहंदी कलर रहेगा। गर्लिश लुक है, बिल्कुल ट्रेंडी मटेरियल और एम्ब्रॉयडरी के साथ है। साथ में बहुत ही कंफर्टेबल दुपट्टा, क्योंकि इस बार हमने जो दुपट्टाज अटैच किए हैं कॉटन के साथ, वो शिफॉन के दुपट्टाज हैं, कलरफुल दुपट्टाज हैं, जो एक बहुत ही ग्रेसफुल लुक देंगे, ठीक है। जो बॉर्डर्स हैं वो शर्ट की कलर के साथ मैच है, देन उसके साथ कंट्रास्ट है दुपट्टे का, रामा ग्रीन कलर के साथ कंट्रास्ट 2000 की रेंज में। और इन मटेरियल्स का जो लास्ट कलर ऑप्शन रहेगा वो आ जाएगा बेबी पिंक कलर के साथ। पिंक कलर्स में ना काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा सारे पिंक कलर्स अपीलिंग नहीं होते, तो ये जो कलर है ये थोड़ा सा ना बेबी पिंक कलर में है, जो बहुत ही प्यारी कलर शेड है। एक सेटल सा कलर है, कि जैसे होता ना कि कई बार समटाइम्स हमें एज का थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इस एज में ये पिंक कलर हम पे सूट नहीं करेगा, तो उसके लिए ये सल्यूशन है कि साथ में कंट्रास्ट में दुपट्टा आ गया, और कलर तो है ही ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा कलर शेड 2000 की रेंज में। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं, मतलब मेरे लिए तो वाओ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले इनका दुपट्टा, चिनोन का दुपट्टा रहेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर आपको जो प्रिंट दिख रहा है ये कांथा स्टाइलिंग के साथ है। पहले तो ये जो दुपट्टा है सेल्फ प्रिंट के साथ है, देन इसमें हाईलाइट दिया है बड़े प्यारे से कलर शेड्स के साथ, इसमें न्योन का टच दिया गया है कलर्स में, ठीक है। फुल लेंथ और विड्थ के साथ दुपट्टा रहेगा, चिनोन बेस रहेगा, और मतलब बिल्कुल सरदारी टेस्ट वाला ये आर्टिकल है। इसका बॉटम रहेगा कुछ इस तरह से, आइवरी सा कलर रहेगा बॉटम का, ठीक है। देन आ जाएगा इसका शर्ट मटेरियल, ये इसका आ जाएगा शर्ट, क्रेप बेस रहेगा, शर्ट एंड बॉटम दोनों क्रेप में रहेंगे, और ये क्रेप वॉशेबल क्रेप है, ड्राई क्लीन वाली क्रेप नहीं है ये, लेकिन क्वालिटी आपको सुपर्ब मिलेगी, अच्छी क्वालिटी के साथ है, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये इसका रहेगा शर्ट, प्लेन में इसका बॉटम रहेगा, और साथ में रहेगा इसका दुपट्टा, ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी लुक। रेंज रहेगी 3500, और इनमें मेरे पास रिपीट नहीं होगी। और अगर आपको ये आर्टिकल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप ना कलर मुझे सफेस्टिकेटेड कलर बता देना, कि नहीं ये वाला कलर मैम चाहिए, जैसे कि इसमें ब्लू का टच है, ठीक है। ये देखिए, मतलब 3D प्रिंट की तरह है इसका लुक, क्योंकि है तो ये प्रिंट है, लेकिन लुक इसकी कांथा वर्क के साथ रहेगी। ये रहा इसका दुपट्टा, चिनोन बेस दुपट्टा रहेगा। ये आ जाएगा इसका शर्ट, इसमें ब्लू का ज़्यादा रहेगा कलर, और बॉटम सभी का सिमिलर रहेगा,
क्रेप मटेरियल रहेगा 3500 की रेंज में। और नेक्स्ट इसमें रहेगा येलो कलर का टच। ये इसका दुपट्टा, चिनोन बेस दुपट्टा। ये इसका आ जाएगा शर्ट। आपका ये सेमी फॉर्मल आर्टिकल बनेगा, बहुत प्यारा। सलवार सूट के साथ शॉर्ट लेंथ में रहेगा, जैसे शर्ट साथ में प्यारा सा दुपट्टा। और जो इसकी रेंज रहने वाली है आर्टिकल की 3500 रहेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये इसका आ जाएगा प्योर मसलिन के साथ दुपट्टा। और जो इसकी लुक क्रिएट की गई है वो पाकिस्तानी स्टाइलिंग के साथ है। और ये देखिए, ये इसमें आ जाएगी लेसिंग, हैंडमेड टैसल्स आ जाएंगे फुल लेंथ के साथ एंड विड्थ के साथ। दुपट्टा रहेगा सॉफ्ट दुपट्टा। बाद में अगर आप चाहो इसका आप शर्ट बना सकते हो। इसका जो बॉटम रहेगा वो आ जाएगा क्रेप में, प्योर क्रेप में रहेगा इसका बॉटम। पाउडर ब्लू कलर में रहेगा इसका बॉटम। और जो शर्ट का मटेरियल है हैंडमेड सिल्क रहेगी, और जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी की गई है हैंडवर्क के साथ। लेसिंग का पैटर्न दिया गया है इसको, थोड़ी सी पाकिस्तानी लुक दी गई है। और बर्ड्स का पैटर्न रहेगा प्रिंटिंग में। ये इसका बैक साइड रहेगा, आपको स्लीव्स के लिए भी लेसिंग मिलेगी और नीचे घेरे पर भी। प्योर का मटेरियल, ये इसका दुपट्टा। रेंज रहेगी 4500, सिंगल आर्टिकल रहेगा सिंगल कलर के साथ। नेक्स्ट आ जाएंगे चिनोन का दुपट्टा, सीजन का ये सबसे पहला आर्टिकल है फेस्टिव लुक के साथ। इसमें जो लुक क्रिएट की गई है कॉर्नर्स में कुछ इस तरह से हमने एप्लीक दिया है दुपट्टे के, ठीक है। प्योर चिनोन का दुपट्टा आएगा ब्लू कलर शेड के साथ। देन इसका बॉटम रहेगा, ये इसका बॉटम रहेगा जो कि बनारसी बॉर्डर के साथ रहेगा। कॉटन सिल्क बेस इसका रहेगा बॉटम। और फर्स्ट टाइम जैसे कि ये मसलिन का मटेरियल है प्योर मसलिन सिल्क, इसमें दी गई है बनारसी वीविंग सिल्वर कलर के साथ। सिल्वर कलर के साथ इसकी वीविंग है, लेकिन ये जो लुक है क्रिएट तो है बनारसी की तरह, लेकिन आपको ये फील सच में एक लग्जरी फीलिंग आएगी आपको ये आर्टिकल वेयर करके। ये इसका रहेगा स्लीव्स के लिए अलग से फैब्रिक, ये आ जाएगा बैक साइड के लिए पट्टी। वीविंग में है ये सारा मटेरियल, ठीक है। बहुत बहुत प्यारा फैब्रिक है, ये इसकी लुक रहेगी। और जो इसकी रेंज रहेगी वो रहेगी 5000। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें ब्लैक कलर, ब्लैक कलर ही है ना, आई थिंक ये चॉकलेटी सा कलर लग रहा है मुझे। ब्लैक नहीं है ये। इसका दुपट्टा, दुपट्टे बहुत ही प्यारे हैं फुल लेंथ और विड्थ के साथ दुपट्टा। बॉटम सेम वैसे ही रहेगा एक बनारसी पट्टी के साथ। एक सुपर फाइन क्वालिटी के साथ मसलिन का मटेरियल है ये। बैक साइड प्लेन रहेगा जिसमें कि आपको ओनली पट्टी मिलेगी वीविंग के साथ। और इसकी जो स्लीव्स है ना, बहुत प्यारी स्लीव्स हैं इनकी, ये स्लीव्स हैं। और इसमें जो वीविंग है वो रोज गोल्ड कलर के साथ है, ये देखिए बहुत ही प्यारी लुक है 5000 की रेंज में।
कंफर्टेबल है और लुक वाइज बहुत प्यारा है। जो बनारसी लाइक करते हैं उनके लिए तो बेटर ऑप्शन होगी, क्योंकि समथिंग डिफरेंट है ये। ये आ जाएगा डार्क मेहरून कलर शेड में, सिमिलर दुपट्टा आ जाएगा चिनोन के साथ ही। इसमें लाइनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सिल्क बेस है ना, तो लाइनिंग लगेगी, तभी इसकी ग्रेस और भी ज़्यादा आएगी। जैसे इसकी नेक लाइन पर वीविंग दी गई है ना, तो आपको नेक पर आई थिंक कुछ ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है ज्वेलरी वगैरह, बट ये कि बहुत बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं ये। ये इसका बैक साइड रहेगा, स्लीव्स का आपको एक्स्ट्रा से मिलेगा फैब्रिक वीविंग के साथ। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी लुक है, इट मीन्स कुछ तो दम रखता है ये मटीरियल। ये देखिए, ये इसकी लुक रहेगी, फाइनेस्ट क्वालिटी के साथ है, 5000 इसका प्राइस रहेगा। फुली लॉयल फैब्रिक रहेगा इसके प्राइस के साथ। देन आ जाएगा कॉफ़ी शेड, डार्क कॉफ़ी शेड रहेगा, जैसे कॉफ़ी के बीन्स का कलर रहता है ना, कॉफ़ी बीन्स कलर होता है वैसे। ये इसका लुक ठीक है। और जो इसमें वीविंग रहेगी ना, वो गोल्ड प्लस सिल्वर मिक्स सा थ्रेड रहेगा इसमें, बैक साइड प्लेन रहेगा, स्लीव्स आ जाएंगी, और जो वीविंग है आप मतलब बहुत सॉफ्ट थ्रेड के साथ वीविंग है, बिल्कुल भी चुभने वाला फैब्रिक नहीं है, स्किन फ्रेंडली फैब्रिक रहेगा, कोई सिंथेटिक टच नहीं है। ये इसकी लुक रहेगी, बहुत ही प्यारे आर्टिकल्स 5000 की रेंज में। अगर आपको ये आर्टिकल्स पसंद आते हैं तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट भेजिए। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।